नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम दीपावली मंदिर वाली आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। अगले 30 मिनट में हम आपको ले चलेंगे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां 28 लाख दीपों के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। और सबसे खास बात यह है कि सैकड़ों साल बाद यह मौका आया है जब इस दीपावली पर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये दीपावली मंदिर वाली। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, वैदिक काल से होने वाले सोम यज्ञ में यह श्लोक पढ़ा जाता था और इस श्लोक का अर्थ है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसके अनुसार अंधकार रूपी बुरी आदतों को त्याग कर प्रकाश यानी सत्यता की ओर उन्मुख होना ही असल साधना और अध्यात्म है। और सनातनी संस्कृति में दीप और उसकी ज्योति इसी बात की प्रतीक है जो आज प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है। आज अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल और चौधरी चरण सिंह घाट पर 28 लाख दीयों को प्रज्वलित किया जा रहा है और इस तरह इस बार 28 लाख दीपों के साथ अयोध्या के दीपोत्सव को लगातार 7वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारी है। अयोध्या में आज 500 साल बाद प्रभु श्री राम के मंदिर वाली दिवाली है। अपने आराध्य के स्वागत में राम नगरी ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और खास दिवाली है, विशेष दिवाली है। इसलिए इस बार तैयारियां भी भव्य और दिव्य की गई हैं। राम मंदिर की छटा देखते ही बन रही है। वहीं आज दीपोत्सव से लेकर प्रभु का पुष्पक विमान के आगमन तक ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वर्ष की दीपावली कितनी खुशियां लेकर अयोध्या और पूरे देश में आई है। आज सुबह से ही अयोध्या की गलियों और सड़कों पर जबरदस्त रौनक देखी गई, कई शोभा यात्रा निकाली गई और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं 5 तस्वीरें जहां सरयू नदी पर आरती हो रही है, शोभा यात्रा दिखाई दे रही है, इसमें भगवान श्री राम की प्रतिरूप नजर आ रहे हैं। खुद स्वयं योगी मुख्यमंत्री जो हैं वो इस समय दीप प्रज्वलन कर रहे हैं अयोध्या में, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और लेजर शो के माध्यम से अयोध्या को जगमग किया जा रहा है। और जब प्रभु श्री राम प्रतीकात्मक तौर से अयोध्या में आए तो पुष्पक विमान के रूप में आज हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा उनके ऊपर की गई। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि अयोध्या में इस बार दीपावली कितनी विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद प्रभु श्री राम आज राम मंदिर में विराजमान हैं और ये अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। तो सुंदर तस्वीरें अयोध्या से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू नदी के किनारे आरती हो रही है और यह आरती बहुत खास है क्योंकि इसमें कई रिकॉर्ड इस आरती को लेकर भी बने हैं दीयों के साथ साथ। और दीप प्रज्वलन जिसको लेकर हर बार अयोध्या में 7 बार से लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। अयोध्या अपना रिकॉर्ड बनाती है दीप प्रज्वलन का, फिर उसे लाखों दीप बढ़ा के अगले साल फिर से उस रिकॉर्ड को तोड़कर नया एक कीर्तिमान, नया एक माइलस्टोन अयोध्या में सेट हो जाता है। और देख सकते हैं शोभा यात्रा में उत्साही युवक किस तरह से नृत्य कर रहे हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं प्रतीकात्मक तौर से और देख सकते हैं आप पुष्प वर्षा, जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे तो पुष्प वर्षा उनके ऊपर की गई। और लेजर शो बड़ा खास मौका होता है अयोध्या में, जब लेजर शो के माध्यम से प्रभु श्री राम की नगरी जगमग करती है। और इस बार दीप 28 लाख दीप अयोध्या सरयू नदी के किनारे इस बार प्रज्वलित किए गए हैं। तो ये खास दीपावली है अयोध्या में, 28 लाख दीपों वाली ये दीपावली है। तो अयोध्या में धूमधाम से मनाए जा रहे दीपोत्सव में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी से काशी मथुरा की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर अब काशी मथुरा भी दिखना चाहिए, यानी उनका साफ इशारा था कि जल्द ही काशी और मथुरा में भी इसी धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हम सबका संकल्प होना चाहिए, एक शुरुआत है शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए।
बोले वृंदावन बिहारी लाल के, और ऐसे ही काशी में भी हो हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। तो बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम नगरी से मथुरा और काशी को संदेश दिया है। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यह साल अयोध्या के लिए अद्भुत, अनुपम और अलौकिक है, क्योंकि 500 सालों के इंतजार को समाप्त करके रामलला फिर अपने धाम में विराजमान हुए हैं। ये आठवां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जो हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो राम की नगरी अयोध्या 28 लाख दीपों से जगमगा रही है। दीप प्रज्वलन और उसकी ज्योति का सनातन धर्म में क्या महत्व है, ये जानने के लिए देखते हैं अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। अति स्वर्णमयी लंका मेदा लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताने वाले प्रभु श्री राम की अयोध्या ने नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। यह विलक्षण है इस मायने में भी क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। 14 वर्ष के वनवास के बाद त्रेता युग में रावण के वध के बाद इसी अयोध्या से दीपावली की परंपरा तब शुरू हुई थी जब भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ था, और अब जबकि 500 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ है अयोध्या में ही प्रभु श्री राम का, यानी कि जब वो अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं श्री राम लला के मूर्त रूप में, तो ये अयोध्या की पहली दीपावली है। अयोध्या की ये पहली दीपावली इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि अयोध्या ने यहाँ विश्व कीर्तिमान बनाया है, एक नहीं दो दो विश्व कीर्तिमान। अयोध्या की राम की पैड़ी ये साक्षी है अद्भुत अलौकिक दीपोत्सव की। साल 2017 से शुरू हुआ ये सिलसिला अनवरत जारी है, और साल 2017 के बाद से आज यह आठवां संस्करण है अयोध्या के दीपोत्सव का। इसमें से केवल साल 2017 को छोड़कर हर वर्ष अयोध्या ने अपने दीपोत्सव का विश्व कीर्तिमान बनाया है। 2018 में 3,01,000 दीपों का विश्व कीर्तिमान, 2019 में 4,04,000, 2,20,000 में 6,06,000, 2021 में 9,41,000, 2022 में 15,76,000 और 2023 में 22,23,000 दीपों का रिकॉर्ड रहा, और इस बार 28 लाख दीपक इस समूचे अयोध्या के सरयू के 55 घाटों पर सजाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय सनातन परंपरा में, भारतीय संस्कृति में दीपों का महोत्सव हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। दीपों को देव का स्वरूप माना गया है, ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, साक्षात ज्ञान का स्वरूप माना गया है। हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम जब जगतगुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की बात करते हैं, हम जब विश्व बंधु भारत की बात करते हैं, तो हम इस बात का भी आह्वान करते हैं कि युवा शक्ति आगे आए, आत्मबल से बढ़ें, नया भारत गढ़ें, और उस बात को चरितार्थ करें जिसमें ये कहा गया है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपने ही विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नौ दधीच हड्डियां जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं।
अयोध्या की राम की पैड़ी से अपने सहयोगी योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज अयोध्या। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से ये आयोजन अब स्थानीय उत्सव से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव बन चुका है, जो धार्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम पेश करता है। रामनगरी में दीपोत्सव का उद्देश्य पवित्र शहर के आध्यात्मिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक सार को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। अयोध्या का ये दीपोत्सव हर साल दियों की संख्या बढ़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराता आ रहा है लगातार 7 साल से। हर साल दियों की संख्या अलग अलग होती है, संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि बीते वर्षों के दौरान अयोध्या के दीपोत्सव के नाम कितने दियों के को एक साथ प्रज्वलित करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो 2017 में अयोध्या में जब पहली बार दीपोत्सव मनाया गया तो 1,71,000 दीपों को एक साथ रोशन किया गया। इस साल को छोड़कर हर साल अयोध्या के दीपोत्सव में नया कीर्तिमान बनाया गया। 2018 की बात करें तो जब दीपोत्सव हुआ तो 3,10,000 दीपों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। पहली बार अयोध्या का नाम इस तरह के विश्व रिकॉर्ड में 2018 में आया और इसके बाद भी साल दर साल रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला लगातार जारी रहा। 2019 की बात करते हैं, 2019 में 5,51,000 दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया था और 4,10,000 दीप जलाकर प्रज्वलित कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यानी हर साल दियों की संख्या, दीपों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2019 में 2018 के मुकाबले 1,00,000 दीप ज्यादा प्रज्वलित किए गए और फिर पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 2020 में भी 6,06,000 दीपों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो 2021 में जो रिकॉर्ड बना उसमें दीपों की संख्या बढ़कर 9,41,000 हो गई और 2022 में 15,00,000 यानी सीधे 10,00,000 को भी क्रॉस करके 15,76,000 तक दीपों की संख्या पहुंच गई। और जबकि 2023 में 22,23,000 दिए जलाकर नया कीर्तिमान बनाया गया और इस बार इस साल 25,00,000 से ज्यादा दीपों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 28,00,000 दीप रखे गए हैं और ये माना जा रहा है कि 25,00,000 से जब संख्या की गणना होगी तो 25,00,000 से ज्यादा का आंकड़ा निकलेगा। तो अयोध्या में इस साल 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार यह बेहद खास है क्योंकि इसी साल 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में यह पहली बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और अयोध्या जी की पावन धरा आज त्रेता युग सी सजी है, देश दुनिया इन क्षणों की साक्षी बन रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्यावासी उल्लासित हैं क्योंकि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धाम में पहली बार दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और रामनगरी अलौकिक व अद्भुत लग रही है इस वक्त। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी सुंदर सजी हुई है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या और 2 किलोमीटर तक भव्य सजावट से अयोध्या धाम की शोभा देखते ही बन रही है। पग पग पर रोशनी है, दिए हैं, उत्साह है, उमंग है और उदिया चौराहे से लेकर नया घाट तक और धर्मपथ से लेकर सरयू पुल तक राम कथा के दृश्य सजीव होते दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं जहां पर राम कथा के दृश्य दिखाई जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत नज़ारा इस वक्त अयोध्या में है। वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और इस दिव्य और भव्य नज़ारे को देख रहे हैं और लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुरंगी छटा भी चारों तरफ बिखर रही है। लेकिन सबसे खास बात है दीपों से सजी अयोध्या और अयोध्या नगरी में 28,00,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया है और एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लेकिन एक साथ 28,00,000 या 25,00,000 दीपों का प्रज्वलन कोई आसान काम नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे बनता है दीपोत्सव का ये खास विश्व रिकॉर्ड। तो सबसे पहले स्थानीय कारीगरों को दियों को बनाने का ऑर्डर दिया जाता है, मिट्टी के दीपक बनाने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके बाद वो मिट्टी के दीपक तैयार करते हैं और इस साल स्थानीय कारीगरों को पूरे 28,00,000 दीपकों के निर्माण का ऑर्डर दिया गया। 28,00,000 दीपक बनाने के लिए दिए गए ताकि अगर इसमें 10% भी दिए किसी कारण से टूट फूट जाएं तब भी ये संख्या 25,00,000 रहे, ये
निश्चित किया गया। तो 25 लाख दीपों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 28 लाख दीपक तैयार करवाए गए और दीप तैयार होने के बाद दीपोत्सव से कुछ दिन पहले राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल और चौधरी चरण सिंह घाट समेत सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दीपों को सजाने का काम शुरू कर दिया गया और कई जगहों पर दीपकों को कुछ विशेष पैटर्न में सजाया गया। जैसे हर बार घाट नंबर 10 पर स्वास्तिक के आकार में 80,000 दीपक सजाए गए हैं जो शुभता का प्रतीक है स्वास्तिक, और दीयों को जलाने के सजाने के बाद मंगलवार देर शाम तक 55 घाटों पर दीपों की गिनती होती रही। निश्चित किया गया कि दीपों की संख्या कितनी है यह तय हो जाए और गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स के सलाहकार निश्चल बारोट के नेतृत्व में 30 सदस्यों की टीम ने सरयू के 55 घाटों पर ड्रोन के जरिए दीयों की गिनती की, मतलब ड्रोन का इस्तेमाल किया दीपकों की गिनती करने के लिए। दीपकों को सजाने और उन्हें प्रज्वलित करने के कार्य में बड़ी संख्या में लोगों की भी जरूरत होती है। 28 लाख जब दीप प्रज्वलित किए जाएंगे तो जाहिर तौर पर बहुत सारे वॉलंटियर्स के लिए इसकी जरूरत होगी, बहुत सारे भक्तों के लिए भक्तों की जरूरत होगी। और इस काम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित 14 कॉलेज, 37 इंटर कॉलेज के अलावा 40 एनजीओ के 30,000 से ज्यादा स्वयंसेवक, या उन्हें आप हम राम भक्त भी कह सकते हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया इन 28 लाख दीपों को सजाने में। और 55 घाटों पर 16x16 के ब्लॉक में 256 दिए सजाए गए और हर एक वॉलंटियर को 85 से 90 दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य दिया गया, यानी एक व्यक्ति को, एक भक्त को 85 से 90 दीप प्रज्वलित करना है। दीपोत्सव के दिन दिए में तेल भरने के लिए सरसों की तेल की जो बोतल है वो सभी राम भक्तों को, स्वयं सेवकों को उपलब्ध कराई गई और स्वयं सेवक इन दीपों में तेल डालने का काम करते हैं और इस दौरान घाट पर तेल ना गिरे इसका विशेष ध्यान दे रखा जाता है, क्योंकि घाट पर अगर तेल ज़्यादा गिर जाएगा तो लोग इस पर फिसल सकते हैं। इसलिए दीप जलने के बाद गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स की टीम ड्रोन के जरिए दीयों की गिनती करती है और फिर विश्व रिकॉर्ड बनने की घोषणा करती है, जो अब से थोड़ी ही देर बाद ये घोषणा हो जाएगी। यदि बात करें प्रज्वलित दीपक की ज्योति की तो सनातन संस्कृति में दीप प्रज्वलन का इतिहास बहुत पुराना है। ऋग्वेद काल से लेकर कलयुग तक सनातन धर्म में इसके महत्व के बारे में बताया गया है। हमारे मंत्र बताते हैं कि जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को हम नमन करते हैं। आज भी पूजा पाठ, अनुष्ठान और शुभ कार्यों में दीप प्रज्वलन का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि दीपक प्रज्वलन का पौराणिक इतिहास क्या है। तो ऋग्वेद के अनुसार दीपक में देवताओं का तेज रहता है, यही कारण है कि जहां दीप प्रज्वलित किए जाते हैं वहां पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है और नेगेटिव एनर्जी दूर चले जाती है और दीप प्रज्वलन की परंपरा ऋग्वेद काल से मानी जाती है। इसके अलावा त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब 14 साल का वनवास पूरा कर माता सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या नगरी आए थे तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीप प्रज्वलित कर रोशन कर दिया था, जो इस कलयुग में भी नजर आ रहा है। और इस घटना के बाद से ही कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन दीप प्रज्वलन की परंपरा की शुरुआत कई लोग मानते हैं। इसके बाद हम आते हैं द्वापर युग में। श्री कृष्ण ने इस युग में जब नरकासुर नामक राक्षस का वध किया गया तब भी लोगों ने खुशी में दीपक प्रज्वलित किए थे और इस घटना के बाद नरक चतुर्दशी के दिन दीप प्रज्वलन की परंपरा को कुछ लोग शुरुआत मानते हैं। और एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर काशी पहुंचकर दीप प्रज्वलित किए और आज इसे देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है और दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और आज के दौर में भी लोग घरों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के लिए पूजा पाठ के दौरान दीप प्रज्वलित करते हैं और हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ ही पवित्र और धार्मिक पेड़ पौधों के समक्ष भी दीप प्रज्वलन का महत्व है। अग्नि पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, देवी पुराण, उपनिषदों और वेदों में भी दीप प्रज्वलन के नियम और महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है और दीपकों को पंच तत्व का प्रतीक माना जाता है। कैसे? इसके पीछे मान्यता है कि दीपक बनाने के लिए मिट्टी को पानी में मिलाया जाता है जो कि भूमि और जल तत्व का प्रतीक है। इसके बाद दीपक को धूप और हवा में सुखाया जाता है जो कि आकाश और वायु तत्व का प्रतीक है और इसके बाद आखिर में
दीपक को आग में तपाया जाता है जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है। इस तरह से मिट्टी का दीपक भूमि, जल, आकाश, वायु और अग्नि यानी पंच तत्व का प्रतीक होता है। तो आइए अब सीधे चलते हैं अयोध्या धाम, जहां पर हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, किस तरह का दृश्य अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में देखा जा रहा है? अश्विनी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप इस वक्त अयोध्या धाम में मौजूद हैं, किस तरह का दृश्य अयोध्या में देखा जा रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है वहां पर? आप प्रखर अगर कहें शो को तो ये दृश्य लोकाभिरामम है। लोकाभिरामम भगवान श्री राम को कहा गया, नैनाभिराम के दृश्य है, अकल्पनीय है, वर्णनातीत है, अलौकिक है, अद्भुत है। इस मायने में भी अद्भुत है क्योंकि यहाँ दो विश्व कीर्तिमान बने हैं। इस मायने में भी अद्भुत है क्योंकि आज पहली दीपावली है भगवान श्री राम लला के भव्य दिव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद। वो मंगल मुहूर्त आया है जब भगवान श्री राम का अयोध्या में ही 500 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ है। यूं तो त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास को समाप्त करने के बाद, धर्म की स्थापना के बाद, रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या के लिए उनका आगमन हुआ तो दीपावली की परंपरा ही वहीं से शुरू होती है। अयोध्या के वासियों ने घी के दीपक जलाकर भगवान श्री राम का आगमन की उत्कंठा को प्रदर्शित करते हुए इस महोत्सव की शुरुआत की इस धराधाम पर, और वो निरंतर त्रेतायुग से लेकर आज तक चल रही है। और अब जबकि भगवान श्री राम यहाँ पर अपने रामलला विराजमान रूप में यहाँ पर है, अब जबकि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है, अनेक हुतात्माओं की तो संकल्प है, दीपावली और विशिष्ट हो जाती है। और ये दीपावली आज उसी नैनाभिराम रूप में, उसी अकल्पनीय रूप में, अलौकिक रूप में, अद्भुत रूप में, अनिर्वचनीय रूप में पूरी अयोध्या में जगमग हो रही है। निश्चित तौर से अगर प्रखर देखें तो भगवान श्री राम के लिए कहा गया, लोकाभिरामम रणरंज धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य कारक रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ये भगवान श्री राम के प्रति अद्भुत अलौकिक दीपावली का आयोजन करके हम अपने श्रद्धा को अर्पित करते हैं और प्रतिबद्धता को भी अर्पित करते हैं, जिसमें हम पूरी दुनिया के लिए कहते हैं अब सदगमय सोमाश्योमय मृत्युर माँ अमृतम गमय। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही अवध की धारा है जहां पर ये वही अवध की धारा है जिसका चुनाव भगवान श्री राम ने, जिसका वर्ण भगवान श्री राम ने अपने अवतरण के लिए ले लिया। और ये वही अवध की धारा है जिसने वो कालांतर स्वरूप देखा जब व्यथित होकर तब हृदय अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि यमुना कहती कृष्ण कहा है, सरयू कहती राम कहा है। और व्यथित होकर वो दौर भी अयोध्या ने देखा जबकि अयोध्या में भगवान श्री राम का वनवास रहा, लेकिन वो दौर समाप्त हुआ है, वो स्थितियां समाप्त हुई है, नए युग का सूत्रपात हुआ है। नए युग के सूत्रपात के साथ साथ भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए पथ पर चल पड़ा है और उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नव्य पथ पर गमन करता हुआ आज भारत दिखता है, अयोध्या दिखता है, जहां अयोध्या की आध्यात्मिकता को सजोकर आधुनिक कलेवर देने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें जी अश्विनी, इन दृश्यों को केवल आंखों में कैद किया जा सकता है, इनको स्मरण में रखा जा सकता है, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। दो विश्व कीर्तिमान बने हैं यहाँ पर, एक विश्व कीर्तिमान एक साथ सबसे ज्यादा दीपों के प्रज्वलन का 25,12,585 दीपों। जी, ये बहुत सुंदर खबर अश्विनी आपने दी है। अयोध्या धाम में इस वक्त विश्व रिकॉर्ड 7वीं बार लगातार बन गया है, 25,12,585 दिए प्रज्वलित किए गए हैं अयोध्या के धाम में, सरयू के घाट पर, अलग अलग जगहों पर, और ये नया विश्व रिकॉर्ड इस वक्त बन गया है। तो अश्विनी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अयोध्या से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे अयोध्या की झांकी। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में
बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप, आरबीआई कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। तो आपका एक इस कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है और अध्याय से बहुत अच्छी खबर आ रही है कि अयोध्या में इस बार विश्व रिकॉर्ड जो है उसको अयोध्या ने खुद ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और सरयू के 55 घाटों पर 25,12,525 दियों से जगमग कर दिया गया है अयोध्या को। और पिछला जो रिकॉर्ड था 22 लाख के करीब जो पिछले साल दिए प्रज्वलित किए गए थे उसका रिकॉर्ड 2023 का रिकॉर्ड इस बार 2024 की दीपोत्सव पर उसको तोड़कर उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त की खबर बड़ी यही आ रही है अयोध्या से। खबर बड़ी भी है, सुंदर भी है और गर्वित कर देने वाली बात भी है कि 25,12,585 दियों से अयोध्या जगमग हुई, रोशन हुई और इसी के साथ बन गया नया विश्व रिकॉर्ड। और ये विश्व रिकॉर्ड अयोध्या नगरी ने किसी और नगरी का नहीं तोड़ा है बल्कि अपने ही रिकॉर्ड में सुधार करके पिछली बार से ज़्यादा भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाने का जो वादा किया गया था, जो निश्चय किया गया था, जो लक्ष्य किया गया था उसे प्राप्त कर लिया है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या ने। और ये अयोध्या में इस बार प्रभु श्री राम का जो आगमन हुआ है वो कई मायनों में खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब राम लला जो हैं अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजित हैं और अयोध्या दीपोत्सव में 1,121 लोगों द्वारा सामूहिक आरती का विश्व कीर्तिमान भी अब बन गया है। तो ये बहुत सुंदर खबर अयोध्या से आ रही है और अयोध्या हर साल, साल दर साल, वर्ष दर वर्ष अपने ही रिकॉर्ड को सुधारती है और दियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो 1,00,000-2,00,000 दियों से जो दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी आज 2024 तक आते आते 25 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलित कर चुकी है अयोध्या एक ही पल में, एक ही समय में। और सातवीं बार अयोध्या ने ये विश्व रिकॉर्ड लगातार 7 सालों में बनाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अयोध्या के लिए, राम भक्तों के लिए और पूरे सनातन धर्म के लिए जो अपने रामलला का स्वागत दीपावली से पहले इस तरह दीपोत्सव के माध्यम से करता है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।